रेप विक्टिम सेंट टू जेल बाय अररिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट पटना। उनके ऊपर ये आरोप था कि बिहार की एक अदालत की कार्रवाई पर हर तरफ उंगलियां उठ रही हैं। अररिया जिले की बेहद गरीब बच्ची के साथ गैंगरेप के बाद थाने में शिकायत तो दर्ज हुआ। जिला अदालत में बयान दर्ज कराने के बाद मजिस्ट्रेट ने पीड़िता समेत दो अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं को न्यायालय की अवमानना के आरोप में जेल भेज दिया। करीबन 4 घंटे के इंतजार के बाद पीड़िता का बयान दर्ज हुआ। बयान के बाद जब उसे न्यायिक दंडाधिकारी ने बयान पर दस्तखत करने के लिए कहा तो वो उत्तेजित हो गई। उन्होंने उत्तेजने में कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या पढ़ रहे हैं, मेरी कल्याणी दीदी को बुलाइए। कल्याणी और तन्मय निवेदिता जन जागरण शक्ति संगठन की कार्यकर्ता हैं। बाद में केस की जाँच अधिकारी को बुलाया गया, तब पीड़िता ने बयान पर हस्ताक्षर किए। बाहर आकर पीड़िता ने JJSS के 2 सहयोगियों तन्मय निवेदिता और कल्याणी बडोला से तेज आवाज में पूछा कि तब आप लोग कहाँ थे जब मुझे आपकी ज़रूरत थी। बाहर से आ रही तेज आवाज़ों के बीच मजिस्ट्रेट ने कल्याणी को अंदर बुलाया। कल्याणी ने पीड़िता का बयान पढ़कर सुनाए जाने की मांग की, जिसके बाद वहाँ हालात तल्ख होते गए। तकरीबन 5 बजे कल्याणी, तन्मय और पीड़िता को हिरासत में ले लिया गया और जेल भेज दिया गया। बहुत ही गंभीर स्थिति है ये। सरकार के विरोध में काम करेगा उसके खिलाफ कोई ना कोई केस रजिस्टर कर दिया जाएगा। वो लड़की बच्ची जिसके साथ गैंग रेप हुआ था, उसको 4 दिन तक पुलिस वालों ने बार बार पूरी बलात्कार की घटना को दोहरा कर पूछा गया। लोकल मीडिया है, उसने उसकी आइडेंटिटी को, उसकी पहचान को भी सार्वजनिक कर दिया। फिर 4 घंटे अदालत में उसने इंतज़ार किया और वो जो एक 5वां अभियुक्त था वो भी वहाँ था उसके सामने, उसके वो ये 4 घंटे गुजरे। फिर प्रजातंत्र के लिए बहुत ही गंभीर स्थिति है।